रोलेक्स दुनिया की एक शानदार लग्जरी ब्रांड जो अपने महंगी घड़ियों के लिए जानी जाती है और इस 8 बिलियन डॉलर्स के साम्राज्य की शुरुआत एक ऐसे अनाथ बच्चे से हुई जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न माँ का प्यार और न ही सर पे पिता का हाथ। लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति ने उन्हें लग्जरी वॉचेस की दुनिया का बादशाह बना दिया। आज रोलेक्स की घड़ियाँ स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं, जो सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि ये भी बताती हैं कि पहनने वाले का समय कैसा चल रहा है। सन 1981 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हैंस विल्सडोर्फ केवल 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिए। हालांकि हैंस और उनके दो भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके अंकल ने उठाई और उनके पिता की प्रॉपर्टी को बेचकर जर्मनी के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल एर्नस्टिनम कोबर्ग में दाखिला करा दिया। हैंस जहां अपने माँ बाप की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, वहीं उनके रिलीजन और दूसरे कस्बे से आने की वजह से स्कूल के बच्चे भी उन्हें परेशान किया करते थे। लेकिन हैंस का मानना था कि उनके अंकल के डिसीजन ने उन्हें जल्दी आत्मनिर्भर बना दिया और उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। इन सभी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी जगह स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट्स में बना कर रखी। हैंस मैथ्स के साथ लैंग्वेजेस में काफी अच्छे थे, जिसने उन्हें फॉरेन में जाकर काम करने के लिए इंस्पायर किया। स्कूल के दौरान ही एक स्विस बॉय से उनकी दोस्ती हुई जो उन्हें स्विट्जरलैंड की कहानियां सुनाया करता था। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड दुनिया में अपने लग्जरी वॉचेस की वजह से जाना जाता है। 19 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके हैंस स्विट्जरलैंड के जिनेवा चले गए और एक पर्ल एक्सपोर्ट कंपनी में एज एन अप्रेंटिस काम करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन उनके फ्रेंड ने उन्हें कूनो कॉर्टेन नाम की कंपनी में जॉब के लिए ऑफर भेजा, जो उस समय स्विट्जरलैंड की एक फेमस वॉच मेकिंग कंपनी थी। ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए हैंस इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट एंड क्लर्क के पोस्ट पर काम करने लगे और आज उनके बचपन के लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट काम आ गया। साथ ही उनको वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करने और पैकिंग की भी जिम्मेदारी दी गई, जिससे वो हर तरह के वॉच बनाने का हुनर भी सीख गए। नौकरी को अभी 2 ही साल बीते थे कि सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्हें जर्मनी वापस जाना पड़ा। हालांकि कुछ दिन आर्मी में बिताने के बाद वो 22 साल की उम्र में फिर नए जॉब की तलाश में लंदन चले गए और एक हाई एंड वॉच बनाने की कंपनी में उन्हें बड़े पोजीशन पर काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें कंपनी की सेल्स बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ 2 सालों में ही उन्होंने कंपनी के साथ कई क्लाइंट्स जोड़े और कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया। नौकरी के साथ ही उनके दिमाग में सेल्फ बिजनेस की भी प्लानिंग चल रही थी और उसके लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सीखने की कोशिश करते रहे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ फ्लोरेंस फ्रांसिस मैक्रोटी से हुई, जिसके साथ कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। हैंस विल्सडोर्फ घड़ी बनाने की बारीकियों को अच्छी तरह सीख चुके थे, अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। और 1905 में हैंस ने अपने जीजा अल्फ्रेड जेम्स डेविस की आर्थिक मदद से विल्सडोर्फ एंड डेविस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। शुरुआत एक स्विस वॉच कंपनी हरमान एगलर के साथ पार्टनरशिप के साथ हुई, जब वॉच के पार्ट्स स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करके इंग्लैंड में असेंबल किए जाते थे। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा और जल्दी मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ बन गई। हैंस एक वॉच लवर थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी कि उन दिनों ज्यादातर जेंट्स पॉकेट वॉचेस यूज करते थे। रिस्ट वॉचेस सिर्फ औरतें यूज करती थीं, वो भी ज्वेलरी की तरह, क्योंकि रिस्ट वॉचेस साइज में छोटे होते थे और स्मॉल पार्ट्स की वजह से वो प्रिसाइज नहीं थे, वो कभी फास्ट तो कभी स्लो हो जाते थे। लेकिन हैंस को पॉकेट वॉचेस यूज करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वो साइज में बड़े होते थे और टाइम देखने के लिए बार बार पॉकेट से निकालना पड़ता था। अब एक प्रिसाइज्ड वॉच बनाने के लिए हैंस अगले कई सालों तक यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते रहे और वॉच मेकर से रिस्ट वॉचेस की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जानकारी हासिल की। बाहर से जो भी सीखा उसकी मदद से उन्होंने अपना खुद का रिस्ट वॉच लॉन्च किया और धीरे धीरे क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए। सन 1908 आते आते लोग उनके रिस्ट वॉचेस को पसंद करने लगे और वह इंग्लैंड की वॉच इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में से एक बन गए। विल्सडोर्फ एंड डेविस लिमिटेड की जगह हैंस कंपनी का एक आसान नाम रखना चाहते थे, जो हाई क्लास और अट्रैक्टिव हो और जो वॉच के डायल पर भी खूबसूरत लगे। 5 अक्षरों के नाम के लिए वो काफी दिनों तक काम करते रहे और अचानक एक दिन उनके दिमाग में एक नाम आया, रोलेक्स, जिसे 1908 में रजिस्टर करा लिया गया और रोलेक्स के ब्रांड नेम से घड़ियों का प्रोडक्शन किया जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और बिजनेसेस पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। यहाँ तक कि कुछ वॉच फर्म्स बंद भी हो गए, लेकिन रोलेक्स नहीं। ये वो दौर था जिसमें रोलेक्स वॉचेज और फेमस होने लगे, क्योंकि एक्यूरेट टाइम और हर सिचुएशन में काम करने की क्वालिटी की वजह से सिपाहियों और अधिकारियों को रोलेक्स वॉच दिया जाने लगा। और इसका फायदा ये भी था कि इसे पॉकेट वॉच की तरह बार बार जेब से निकालना नहीं पड़ता था। कंपनी इतनी तेजी आगे बढ़ी कि सन 1914 में लंदन में बड़ा ऑफिस खोलकर 60 लोगों को अपॉइंट किया गया। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड से मिले फर्स्ट रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर रेटिंग और लंदन स्क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रिसीजन ने इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया। लेकिन सब कुछ रोलेक्स के फेवर में नहीं हुआ। सन 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सभी आइटम्स पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जो दूसरे देशों को भेजे जा रहे थे। ये हैंस के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर ही निर्भर था। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि वर्ल्ड वॉर की वजह से
ब्रिटिश लोग जर्मन्स को पसंद नहीं कर रहे थे। इसी वजह से हैंस को अपना हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड के बीएन शिफ्ट करना पड़ा और 1919 में रोलेक्स का ऑफिस बीएन से जिनेवा शिफ्ट कर दिया गया, जहां आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर है। सन 1924 में रोलेक्स ने अपने 5-स्टार लोगो को ट्रेडमार्क कराया, जो उनकी घड़ियों को और लग्जरी लुक देने लगे। फिर आया साल 1926, जब रोलेक्स ओएस्टर के लॉन्च ने वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। असल में यह इतिहास की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी और हैंस को पता था कि ये एक रिवॉल्यूशन है जिसे लोग हाथों हाथ लेंगे, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया के सामने रखने के लिए सही टाइम का वेट किया। सन 1927 में हैंस को एक इंग्लिश महिला ग्लाइड्स के बारे में पता चला कि वह 20.5 मील के इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने का दावा करती है। लोगों को जब विश्वास नहीं हुआ तो हजारों लोगों के सामने उस लेडी को ये करतब दिखाने का मौका दिया गया। हैंस को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उस लेडी के गले में उन्होंने रोलेक्स ओएस्टर वॉच को पहना दिया। असल में 10 घंटे लगातार बहुत ठंडे पानी में तैरने से उस लेडी का शरीर फ्रीज हो गया और लगभग 80% चैनल को पार करने के बाद ही उसे पानी से बाहर निकाल लिया गया। उस महिला का दावा तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हैंस का काम हो गया था। रोलेक्स ओएस्टर वॉच परफेक्ट काम करते हुए सबके सामने था। हैंस ने लंदन के डेली मेल न्यूज़पेपर में इस इवेंट का ऐड करके इसका और प्रचार कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि लोग उस वॉच के लिए क्रेजी हो गए और रोलेक्स अब पूरी दुनिया में एक रिवोल्यूशनरी वॉच की तरह फेमस हो गया। हैंस ने कुछ और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए रोलेक्स के लिए मार्केट में एक हाइप क्रिएट किया। सन 1928 के फेमस ब्रिटिश मॉडल एवलिन ले से रोलेक्स का प्रमोशन कराया और सारे डीलर्स की शॉप पर रोलेक्स ओएस्टर को फिश बॉल में जिंदा मछलियों के बीच में रखा गया। सन 1933 में फिर एक न्यूज पब्लिश हुआ कि माउंट एवरेस्ट पर एक फ्लाइट के क्रू मेंबर्स रोलेक्स वॉच पहने थे और सेटिस्फाइड थे कि फ्लाइट के दौरान भी वॉच प्रॉपरली काम करता रहा। मार्केटिंग के अलावा रोलेक्स अपने न्यू मॉडल्स पर भी काम करता रहा और 1931 में रोलेक्स ओएस्टर परपेचुअल लॉन्च किया गया, जो इतिहास की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी, जिसमें मैनुअल चाबी भरने की जरूरत नहीं थी। सन 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया और जर्मन ब्रांड होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में रोलेक्स का एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिससे कंपनी का सेल्स काफी नीचे गिरने लगा और दुर्भाग्य से 1944 में उनके वाइफ की भी डेथ हो गई, जिससे हैंस फ्रस्ट्रेट हो गए और अपनी वाइफ की याद में उन्होंने हैंस विल्सडोर्फ फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट थी। अपनी मौत के पहले ही हैंस ने रोलेक्स का 100% ओनरशिप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया, जो अभी भी रोलेक्स को कंट्रोल करती है। इसलिए रोलेक्स कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और चैरिटी की वजह से इसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद रोलेक्स की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ। सन 1945 में रोलेक्स डेट जस्ट लॉन्च किया गया, जिसमें वॉच के डायल पर तारीख भी दिखता था, और 10 साल बाद एक और रिवोल्यूशनरी मॉडल रोलेक्स डे डेट को लॉन्च किया गया, जिसमें डायल पर तारीख और दिन दोनों डिस्प्ले होते थे, जो आजकल आप जनरली सभी वॉचेस में देख सकते हैं। रोलेक्स आगे भी नए नए मॉडल्स बनाता रहा और 1953 में सबसे लेजेंडरी वॉच रोलेक्स सबमरीनर के नाम से सामने आया, जो एक डीप ड्राइव वाटरप्रूफ वॉच था और 100 मीटर पानी के भीतर भी परफेक्ट काम करता था। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की ही घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इतना हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। और इसी तरह रोलेक्स की घड़ी को 1960 में समुद्र के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। और इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ियां सटीक काम करती हैं और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। सन 1960 में हैंस विल्सडोर्फ के मौत के बाद रोलेक्स अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड की तरह स्थापित करने लगी और हाई सोसाइटी पीपल्स पर फोकस करने लगी। आज रोलेक्स अपने वॉचेस में 904L स्टील का इस्तेमाल करती है, जो बहुत ही महंगी और हाई ग्रेड स्टील है। दोस्तों, घड़ियों में रोलेक्स ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं, यानी कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती हैं। रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा था और यहाँ के भी रईस लोगों के लिए यह घड़ी पहली पसंद है। अब देखा जाए तो इन घड़ियों की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक जाती है, लेकिन शौकीन लोग कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदते। इस तरह एक अनाथ बच्चे ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अपने पैशन और कुछ करने की जिद से पूरी वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया और इंडस्ट्री का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।